बाबा का दरबार में, तो भाई दूर तो बस के रही हूँ मैं देवपुर में। ये बालाजी के मैन भीतर की दरबार की भाई 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 बड़ा बाबा का दर्शन और बिल्कुल छोटो सर। अच्छा देख पहाड़ पर उठ चढ़ा रहा अपने आप पहुंच जाए भाई देख ले। बालाजी के दर्शन करने के लिए चल पड़े हैं, तो वही बालाजी के दर्शन करते देखो चप्पल रूम पे निकाल दी। अगर आप भी कभी दर्शन करना हो तो चप्पल जो है आप रूम पे ही निकाल के जाना, क्योंकि वहाँ लंबी भीड़ है, वहाँ आपको चप्पल निकालने की जगह नहीं मिलेगी। अगर वहाँ पे कोई चप्पल निकालोगे तो आपकी चप्पल मिली इसकी कोई गारंटी नहीं। तो भाई अब आपको बालाजी का दर्शन करवाऊंगा, चल पड़े हैं अपना रूम छोड़ रहे हैं, अपने ताड़ा लगा दिया, मिलते हैं थोड़ी देर में। प्रहलाद यात्री निवास भाई इसी गेस्ट हाउस में रुकियो कभी भी आओ तो। होटल है और इसमें आपने बढ़िया बढ़िया सुविधा मिलेगी, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं। अपना नाम क्या भाई? गगन सैनी नाम है भाई। और यहाँ किस टाइम तक आ सके हैं? किस टाइम तक आ सके होटल में कोई भी आना चाहो तो किसी भी टाइम आ जाओ, किसी भी टाइम आ जाओ। बढ़िया रूम आप जैसे रूम चाहते हो 300-400 से रूम शुरू हो जाए हैं। और कितने तक ले लो भाई? आप ये सोचो कि 1000 का रूम चाहिए तो 1000 का रूम भी मिल जाएगा। तो भाई आप ये ध्यान करें प्रहलाद यात्री निवास है, तो इसी में आके आप कभी आओ तो ठहरियो। तो भी एक बाबा के दर्शन के लिए चल पड़े हैं भाई, मिला थोड़ी देर में आपने। एक बढ़िया लोकेशन दिखा दें आपने, ये देख वो सामने है तीन पहाड़ी वाला जी, ये तीन पहाड़ी का मंदिर है ये, ठीक है। नया आदमी ना कि बहुत बढ़िया धारा अपने परिवार की तरह रखे हैं, आपने कितना भटकन की जरूरत ना है। तो आप कितना भी मत जाओ मेहंदीपुर में, सीधा आओ दरबार से। ये कौन सा रोड पर है? उदयपुर वाला रोड। आप मेहंदीपुर में उदयपुर वाला रोड पर आओ, आती है आपने सनी विस्तार भंडार लिखा को दुकान नंबर 18 है, तो इस पर आके आप पता दो जो भी लोग यूँ समझ लो कि आप घर आ गया। तो भाई तो मिला ना थोड़ी देर में ही बाबा का दर्शन और कर लिया, फिर आप इधर से घूम कर सीधे चला। भाई आज बाबा का बिल्कुल मतलब इतनी खास भीड़ नहीं है, देखो मेरे पीछे लाइन बिल्कुल खाली है, तो बाबा का जल्दी दर्शन हो जाएगा। आपने जल्दी दर्शन करवाऊँ बाबा का। प्रवेश द्वार है भाई, प्रवेश द्वार में आ गए बाबा का दरबार में प्रवेश। देखो जय श्री राम का नारा लग रहे हैं भाई, आज इतनी खास भीड़ नहीं है लेकिन बाबा का दर्शन बहुत बढ़िया होने वाला है। बोल श्री राम चंद्र भगवान की जय हो। सब श्री राम का जाप करें हनुमान जी का, इसलिए बाबा का दर्शन करने जा रहा है। बोले बालाजी महाराज की जय हो। जय सो भाई बालाजी का मेन दरबार है, बालाजी का मेन दरबार है भाई, एक बार दर्शन करो। ये बालाजी के मैन भीतर की दरबार की भाई देख लो भाई। वीडियोग्राफी करना, यात्रियों को फोटो खींचना मना है, लेकिन फिर भी आप चुपके बना रहे हैं भाई, सबने दर्शन करवाने का। अपना भी लोग बढ़िया बन जागो बालाजी की दया से। अब बेटे सबने मना करा है, देखिए भाई बाबा को देखो दरबार कितना बढ़िया दरबार सज रहे हो भाई। दर्शन कर लो बाबा का, दर्शन मंदिर है भाई शाम बाबा जी का मंदिर। या भाई मेरे पीछे लाइन देख रहे हो, ये बालाजी का जल मिला है, जो बालाजी की मूर्ति है उस पर जल निकला है अपना, वैज्ञानिक भी हार लिया, किसी को कोई पता नहीं कि भाई जल कितना निकला है। तो ये सारी लाइन जो लगी है देख, आपने दिखा दिया जल की लाइन लगी है, देखो ये बोतल हाथ में ले रहे हैं, ये जल लेने आती है सब के लोग हैं। माध्यवाड़ा मंदिर में जाने से पहले अगर आप कोई पहले नारियल लेना चाहिए, बाद में नारियल और बाद में नारियल आपने बराबर भाई। कोई दीवा चाह सुन चाहो तो दीवा चाह सकते हो इनका भाई, बैच के रहो डांस कर लो। देखे पूछा आपको मेरे प्रसाद में खुद का दूसरा को प्रसाद नहीं लेना, नियम बहुत अच्छे हैं, मैं आपको नियम बता लो। मैं नहीं पूरा अगर आपने दर्शन करना आना तो नियम आपको पालन जरूर करें भाई। दर्शन करके चाय पानी कुछ नाश्ता करना हो कर लियो, और भाई मैंने नाश्ता मंगा ली पकौड़ी और चटनी और चाय। तो भाई मिला थोड़ी देर में, देखा पकौड़ी ही भाई या चटनी है भाई, मैं इनके साथ चाय होगी अपना। तो मुझे चाय दे दी भाई के नाम करो सुनील, सुनील नाम भाई को, या बाबा समाधि वाला पास दुकान से गोस्वामी रेस्टोरेंट पर आइयो चाय पियो ठीक से भाई। बड़े राजस्थान में पित्तल को भाई पित्तल का टोपी हम चाय बनाई, और अपना स्टील का बनाए पित्तल का टोपी हम चाय और भी स्वाद बनाए। तो भाई बरा और राजस्थान में तो पित्तल का टोपी हम चाय जरूर पियो। यो पहाड़ी ने रस्तो जा है भाई,
भाई बोरा बाबा का दर्शन और बिल्कुल छोटो सा रस्तो हो यहाँ पे आनो बुरा के जानवर बुरा के आनो रस्तो देख ले भाई। देख भाई ऊपर तो पूरा मेहंदीपुर शहर दिखा है, देख मेरे पीछे है ना जो मेहंदीपुर शहर है, ऊपर पहाड़ी पे चढ़ ला रहा। ये देखिए मंडी बनाई गई है, ये देखिए आपने एक बार दिखाऊँ, ये देखो ये देखिए मंडी बनाई गई है भाई, सब अपनी अपनी जिसकी मनोकामना पूर्ण हो और मंडी बना के चला जाए। पूरा मेहंदीपुर शहर है भाई देख लो, भाई एक कहावत सुनिए ऊँट पे पहाड़ चढ़ा, तो आज तो वह कहावत सच्ची दिखाऊं। देख भाई मेरे पीछे देख पहाड़ पे ऊँट चढ़ा रखे हुआ है भाई, पहाड़ पे ऊँट चढ़ाना अपने आप पहुंच जाए भाई, देख ले भाई ऐसे है समझदार अपने आप दुकान पे पहुंच जा। भाई तीन पहाड़ी दर्शन करके आए हैं और आज दर्शन भी की है, पानी पियो है इबनी चौतरा ठीक है। आज की वीडियो में इतना रहा मेहंदीपुर धाम के बारे में, अगर कुछ और जानकारी चाहो हो तो भाई एक कमेंट में बता दियो, और भाई जो बाबा का भगत नहीं हुआ एक बार एक लाइक और एक कमेंट जय श्री राम कमेंट में जरूर लिखा है। तो भाई आज की वीडियो इतना ही भाई, कैसा व्लॉग लगा कमेंट में जरूर बताइएगा और भाई ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिएगा। जय श्री राम, हर हर महादेव। फिर